हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आ गई है गर्मी और मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ गर्मी की यम्मी और टेस्टी सी रेसिपी। तो आज की जो रेसिपी है वो है आइसक्रीम की रेसिपी, जो कि बहुत इजी वे में आपको बताने वाली। तो ये जो विकफील्ड का मैंने आइसक्रीम मिक्स लिया है, ये मुझे सिर्फ और सिर्फ 45 रुपीज़ में पड़ा। तो आप लोग भी इसी कंपनी का लो, मुझे लगता है कि ये बाकी की कंपनियों से ज़्यादा बेटर क्वालिटी है इसकी। तो मैंने ये ले लिया और मैंने जब इसे ओपन करके देखा तो इसमें सिर्फ एक ही आइसक्रीम मिक्स था, उसमें अंदर से कोई अलग से पाउडर नहीं डाला हुआ था। तो अब क्या कर लेना है कि आपको इसे बनाने के लिए बहुत ही कम अमाउंट में मिल्क लेना पड़ेगा। अब आप ये मत सोचना कि आप 45 रुपीज़ में बहुत सारी आइसक्रीम बना लोगे, लेकिन फिर भी 45 रुपीज़ में आपको 45 रुपीज़ से ज़्यादा की आइसक्रीम बना के मैं दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने ले लिया 1/2 लीटर मिल्क। आप लोग इससे ज़रा भी ज़्यादा मिल्क ना लें, ज़्यादा लेंगे तो फिर वो आइसक्रीम की कंसिस्टेंसी थोड़ी पतली हो जाएगी, जो कि अच्छी नहीं लगेगी। तो यहाँ पे मैंने 1/2 लीटर मिल्क को बॉईल कर लिया है अच्छे से, उसके बाद इसमें आइसक्रीम मिक्स को डाल लिया है। आइसक्रीम मिक्स को आपको 2 से 3 मिनट अच्छे से कुक करना है। कुक इसलिए करना है क्योंकि अगर आइसक्रीम खाने वक्त हमें अलग से मिल्क का फ्रेग्रेंस नहीं आना चाहिए, दैट्स वाई आप इसे अच्छे से 2 से 3 मिनट मिक्स करेंगे, पकाएंगे, कुक करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, कुक कर लेने के बाद इसे ठंडा कर लेंगे, एकदम ठंडा कर लेना है नॉर्मल। उसके बाद आपको क्या करना है कि एक कंटेनर लेना है जो कि एयर टाइट कंटेनर, और इफ़ यू डोंट हैव एयर टाइट कंटेनर तो आप क्या कर सकते हैं कि आप सिर्फ एक नॉर्मल सा बाउल में इसे डाल लें और उसके बाद फॉइल से कवर कर लें। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे ठंडा करके इसमें डाल लिया और कवर कर लिया। उसके बाद हमें क्या कर लेना है, इसे 2 घंटे हमें फ्रीज कर लेना है गाइस, ज़्यादा नहीं, 2 आवर्स इज़ इनफ। उसके बाद क्या कर लेना है, हमें व्हिप्ड करना है इसे अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे मैंने ले लिया था व्हिप्ड मशीन और इसे अच्छी तरीके से व्हिप करना। अगर आप लोगों के पास ये मशीन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है गाइस, आप एक जार ले लो और इसे सारे मिक्स को इसमें डालकर अच्छे से एक बार ब्लेंड कर लो मिक्सर पे, बहुत ही ज़्यादा इजी वे में, वो भी वैसे ही थिकनेस देगा। तो यहाँ पे देख लीजिए मैंने व्हिप्ड कर लिया है, उसके बाद इसे मैं फ्रीज़ करने के लिए फिर से 2 घंटे छोड़ दे रही हूँ। उसके बाद देखिए गाइस बहुत ही ज़्यादा यम्मी टेस्टी, एकदम बाहर वाली टेस्ट की तरह रेडी हो गया। इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।